अमेज़ोनी कितने बेहतर कप्तान है ये किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और कप्तानी में वापस आते ही चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने जीत भी दिला दिया सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। और एम एस धोनी की कप्तानी को लेकर तो बड़ी बात करते हुए दिखे थे वीरेंद्र सहवाग भी, और उन्होंने कहा कि उनके कप्तानी में भारत ने कई ऐसे मैचेस जीते हैं जो कि हारने वाले थे, तो हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स बचे हुए सारे मैच जीत भी जाए, और सही में ये हो सकता है। लेकिन सवाल यही बनता है दोस्तों कि आखिरकार रविंद्र जडेजा ने क्यों छोड़ी कप्तानी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आईपीएल 2022 में चेन्नई का प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा है, और अभी तक खेले गए 9 मैचों में केवल 3 ही जीत मिला है, और आखिरी मैच तो जीत पाए थे एमएस धोनी के कप्तानी में। और जब टीम करती है खराब प्रदर्शन तो सबसे ज्यादा दबाव कप्तान के ऊपर ही होता है, और जैसे कि रविंद्र जडेजा भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हैं, उनका अच्छे माइंडसेट में होना और अच्छे फॉर्म में होना काफी जरूरी रहता है। इसीलिए रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, और इस फैसले को अच्छा ठहराते हुए स्वीकार कर लिया फिर से कप्तानी करने का एमएस धोनी ने। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस फैसले से रविंद्र जडेजा का फॉर्म वापस आता हुआ दिखेगा? बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर करें लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।